नमस्कार सर, तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस CNCC कोचिंग डिपो मुंबई में। इस गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है। मैं हूँ इंजीनियर विजय कुमार शुक्ला, सीनियर इंस्ट्रक्टर BTC वाड़ीबंदर। ये देखिए यहाँ पर है पायलट एंड ट्रेन मैनेजर्स कैब, यानी ड्राइविंग कैब, जहाँ से इस गाड़ी का पूरा संचालन किया जाता है। आइए हम यहाँ पर ट्रेन मैनेजर से संबंधित, कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करते हैं। जैसे कि यदि इमरजेंसी ब्रेक अप्लीकेशन करना हो, या इस गाड़ी में ऑटोमेटिक प्लग डोर को ओपन एंड क्लोज करना हो, या यहाँ पर PA सिस्टम पैसेंजर कम्युनिकेशन स्थापित करना हो, सिग्नलिंग का काम करना हो, या ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो, तो इसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि यदि इसके ऑटोमेटिक प्लग डोर को ओपन एंड क्लोज करना है तो कैसे करें। कैब के डायरेक्शन में फेस करने के बाद जो आपके राइट में है वो राइट साइड डोर होंगे, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट साइड के होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि लेफ्ट साइड के डोर को ओपन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पैनल पर दिख रहा है डोर ओपन लेफ्ट 1 एंड 2। इन बटन्स को हम 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो सभी लेफ्ट साइड के डोर ओपन हो जाएंगे। यदि राइट साइड का ओपन करना है तो इन दोनों स्विचेस को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो राइट साइड का ओपन हो जाएगा। और यदि उसे क्लोज करना है तो सबसे पहले डोर इनेबल के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, तत्पश्चात डोर क्लोज के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये डोर क्लोज हो जाएंगे। यदि किसी परिस्थिति में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना हो तो ट्रेन मैनेजर को न्यूमेटिक ब्रेक के लिए, देखिए यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगा है, इसे इस हैंडल को 90 डिग्री पर घुमा देना है तो यहाँ पर जो है प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि वो न्यूमेटिक ब्रेक लग जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में EP ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक लगाना है तो यहाँ पर देखिए बटन है, जिसको प्रेस करने के बाद इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर जाएगा। यदि पैसेंजर से कम्युनिकेशन करना है तो इस पैनल पर देखिए यहाँ पर एक आइकन का बटन है, इसको यहाँ पर हम करते हैं तो PA कॉलिंग इनेबल करता है, तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और होने के बाद में PA कॉल देखिए प्रोग्रेस दिखा रहा है, कॉल खत्म होने के बाद इंड पर वहाँ पर कर देते हैं तो इंड हो जाता है। इस लोकेशन में अगर कहीं पर सिग्नल एक्सचेंज करना है तो देखिए ग्रीन सिग्नल के लिए ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज का बटन है, यहाँ पर रेड है रेड सिग्नल एक्सचेंज के लिए। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर सिग्नल बेल लगा हुआ है, इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो पश्चात आइए देखते हैं हमें ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो ट्रेन मैनेजर को तो कैसे करना है। ये लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ब्रेक कंटूर्नर, जिसके इसके लीवर को फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड में लेकर के जाना है तो ये यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होगा, BP का प्रेशर दिखेगा कि कम हो गया है, और तत्पश्चात इसे हम आगे की तरफ कर देंगे तो ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये कुछ जानकारी हमने ट्रेन मैनेजर के लिए शेयर किया। धन्यवाद।